दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्रिंटेड कंट्रास्ट सूट को डिजाइनर लुक देने जा रही हूँ। और ये दोस्तों, ये मेरा सूट है, देखिए इसके साइड में ये बाजू का कपड़ा दिया गया है और ये प्रिंटेड है दोस्तों। और मैं इसमें लेस लगाऊंगी दोस्तों, इसके बीच में जो लाइनिंग दी हुई है सब इसमें नीचे, और जो ऊपर गले पे दी गई है सब पे लेस लगा कर मैं इसे डिजाइनर लुक दूंगी। ये 46 इंच लंबा है दोस्तों, मैं इतना ही इसे तैयार करूंगी। और दोस्तों, मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, कमर तक 16 इंच तक मैं उसे ऊपर कट, और नीचे 30 इंच बच जाएगा। ये 2 पार्ट्स में दोस्तों मैं इस सूट को तैयार करने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने इसे बाजू कपड़े को साइड में से अलग कर लिया है, और मैं फिर इसे, ये 2 फोल्ड है दोस्तों मेरा, इसे 4 फोल्ड करने के बाद 16 इंच की ऊपर से कमर तक मैं अपने सूट के ऊपर वाले पार्ट, टॉप पार्ट को कट कर लूँगी। 16 इंच का निशान लगा के ऊपर वाले पार्ट को मैं कट कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है, और इसके बाद दोस्तों मैंने अपने 16 इंच का निशान लगाने के बाद में इसे कट कर लिया है। दोस्तों, ये मैं अगर आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये मेरा पीस कट चुका है ऊपर वाला, और दोस्तों नीचे वाला 30 इंच है, और मुझे इतनी ही लंबाई चाहिए। आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई रख सकते हैं। अब तीरे का निशान दोस्तों, मैंने 7 इंच तीरे का निशान लगाया है, जितना आपका तीरे का निशान होगा आप इतना रख लेना। और 7.5 इंच मैंने मोड़े का नाप रखा है, और इसके बाद मैं ब्रेस्ट, इसके बाद दोस्तों मैं ब्रेस्ट बीच में 1.5 इंच का, 1.5 इंच का कोने पर 1.5 इंच का निशान लगाते हुए मैं गोलाई लगा दूंगी। और उसके बाद दोस्तों, मैं ब्रेस्ट का निशान लगाने के बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा, ब्रेस्ट का निशान लगा लिया है, उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, अंदर निशान लगा दिया है मैंने। और कमर का, जितनी मेरी कमर का निशान है, कमर का निशान लगाने के बाद में दोस्तों 1 इंच मैं प्लेट डालूंगी इसमें, दोनों पीस में, और लड़ने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है मैंने, और इस प्रकार मैंने निशान लगा दिया है। और इसके बाद अगले पीस में जो हम 1.5 इंच की कार्ड डालते हैं, उसका निशान लगा लेंगे हम, और मोड़े को कट कर लेंगे। ये मैंने मोड़ा कट कर लिया है, और अब इसके बाद 1.5 इंच का निशान लगा लिया है मैंने अगले पीस में, जो हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। और इसके बाद दोस्तों, ऊपर से 2.25 इंच का गले का माप लेकर, और बाजू की मोड़े की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाते हुए तिरछा हम तीरे को कट कर लेंगे। ऊपर से 2.25 इंच और इधर साइड में से 1.5 इंच का तिरछा निशान लगाते हुए इसे हम कट कर लेंगे। और इस प्रकार दोस्तों, ये मेरा सूट का टॉप पार्ट कट चुका है। अब हम प्लेट्स डालने के लिए निशान लगाएंगे साइड में से। दोस्तों, हमने 4.25 इंच का निशान लगाया है, और ऊपर से 10.5 इंच लेंगे दोस्तों हम, तीरे के पास से 10.5 इंच का निशान लगाते हुए लंबा निशान लगा देंगे। और ये मेरा प्लेट का निशान लग चुका है। अब दोस्तों, ये मेरा 4 फोल्ड है, तो मैं इसे 4 फोल्ड को ऐसे पकड़ते हुए एक कट लगा दूंगी, जो कि मेरे दोनों पीसीज में कट लग जाएंगे, और मेरे चारों प्लेट्स की जगह पर ये निशान आ जाएगा, और मुझे दूसरे प्लेट डालने में भी आसानी रहेगी, और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लूँगी। दोस्तों, ये मेरा पार्ट कट चुका है। अब दूसरे वाला पार्ट है दोस्तों, उसकी लंबाई 30 इंच लंबा है दोस्तों वो। दोस्तों, अगर आप उसमें, अगर उसको ऊपर से इतना ही रखना चाहते हैं, इतना भी रख सकते हैं। आपको प्लेट्स डालने होंगे, लेकिन दोस्तों मैं प्लेट नहीं डालूंगी, मुझे ये, मैं बिना प्लेट के बनाने वाला, ज्वाइंट करने वाली हूँ इनको। अगर आप ऐसे ही रखोगे तो दोस्तों 2-3-4 के करीब प्लेट डलेंगे आपके, आप डाल लेना, वो भी अच्छे लगते हैं डले हुए। अब 30 इंच दोस्तों मेरा लंबा है ये, और अब मैं अपने जितना मेरा ऊपर वाला पार्ट मेरा
हम नीचे से उसके माप हम नीचे से माप कर उसको उतना ही हम ऊपर से कट कर देंगे। और मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी। और ये मेरा सूट कट चुका है। अब दोस्तों बाजू रहती है, दोस्तों जो ये कंट्रास्ट में सूट आते हैं इनकी बाजू साइड में से जोड़ डलता है, तो मैंने इसलिए इसको बाजू को कट कर लिया है। 18 इंच लंबी दोस्तों मैंने बाजू बनाई है। और उसके बाद दोस्तों मैंने 2 इंच साइड में मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर 2 का लगा लो या 2.5 का लगा लो दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पर हल्की सी सिलाई देते हुए बाजू को कट कर लूँगी। और नीचे से 5 इंच की बाजू रखने के बाद मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी मैं अंदर। और इनको मिलाते हुए दोस्तों ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दूँगी। दोस्तों ये मेरी बाजू भी कट चुकी है मेरे सूट की। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी कटिंग समझ आई होगी। कोशिश है दोस्तों मैंने ऐसा ही किया है कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए फटाफट समझा रही हूँ। और सिलाई के लिए भी दोस्तों मैं फटाफट से थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो हम इसकी सिलाई करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने गले को पान शेप का मैंने गला काट लिया है। और काटने के बाद में राधे राधे दोस्तों।